और क्या मांगे थे? आज हम लोगों ने डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारा मुख्य मांग यह है कि जनपद बस्ती को सूखा घोषित किया जाए। यहाँ बारिश नहीं हुई, किसान एकदम परेशान है, खेत एकदम सूख गया है और सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसको सूखा घोषित किया जाए। दूसरा हमारा जो मांग है, किसानों का ये सरकार आई थी, पहली बार ये आई थी कि गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान करेंगे और 6 साल लगभग 5.5 साल सरकार को होने जा रहा है। पहली सरकार बीत गई, दूसरी सरकार का भी जो है 5 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक मुंडेरवा चीनी मिल, हमारे जनपद में रुधौली चीनी मिल और जो वाल्टरगंज चीनी मिल इस सरकार में बंद हुई है उसका भी अभी गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य है उसको नहीं दिया है। हमारी मांग है कि मुंडेरवा चीनी वाटरगंज चीनी मिल को चालू भी किया जाए और उसके जो कर्मचारी हैं उनका भुगतान किया जाए। एक मांग हमारी यह है कि ये सरकार डीजल पेट्रोल के दामों की तरीके से अब इसने एक नियम बना दिया कि बिजली का हर महीने फिर संशोधित होगा। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल का थोड़ा थोड़ा करके दाम इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया, आने वाले दिन में ये बिजली का दाम भी आसमान को छुएगा। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो इन्होंने हर महीने संशोधित बिजली का दाम करने का काम किया है इसको बंद किया जाए। हमारे जनपद में BDA के नाम पे भारी लूटपाट है। अभी महायोजना के अंतर्गत डमरुआ को पार्क घोषित कर दिया गया और जो मेन बाजारें हैं उनको चौड़ीकरण के नाम पे जो है ले लिया गया है। हमारी मांग है कि उसको भी निरस्त किया जाए। यही सब मांगे लेकर के CM आने वाले हैं बस्ती जिले में, और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या व्यवस्थाएं हैं? अब DC आ रहे हैं, हमारा आप लोगों के माध्यम से उनसे अनुरोध है कि जिला हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल, कैली हॉस्पिटल की स्थिति देख लें। जिला हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि जहाँ बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ डॉक्टरों की कमी है। मैं स्वयं शासन प्रशासन से कई बार मैंने ये अपील किया कि यहाँ जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरी की जाए। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत PSC CSC से भी बदतर हो गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, महिला हॉस्पिटल में कोई भी जांच नहीं हो रही है। हमारी आप लोगों के माध्यम से आज चूंकि DC आ रहा है और ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हमारी आप लोगों के माध्यम से इनसे मांग है कि जो बस टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन की व्यवस्था कराएं, जांच की व्यवस्था कराएं, जिससे गरीबों को लाभ मिल सके। बड़े पैमाने पे दवाई का अभाव है, हम DC से ये कहना चाहेंगे कि ये जो दवाओं का अभाव है इसको पूर्ति की जाए। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, महिला हॉस्पिटल चले जाइए, कैली हॉस्पिटल चले जाइए। बैठक में क्या उठाएंगे इस मामले को? बिल्कुल इस मुद्दे को उठाएंगे और मैंने जो है राइटिंग में मैं उनको दूंगा, मैं उनसे अनुरोध राइटिंग में भी करूंगा। मैंने पैड अपने पैड पे ये सम्मानों को लिखवा लिया है, आप लोगों के माध्यम से उनको दूंगा। कल जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई है, इलाज के बावजूद डॉक्टर ने कहा कि आप प्राइवेट मेरे वहाँ पे आए वहाँ दिखाएंगे, उसको भी उठाएंगे? बिल्कुल हर मुद्दे को उठाएंगे। और जिला हॉस्पिटल, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि जिला हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल में हमारे बस्ती जनपद में डॉक्टरों की बहुत बड़े पैमाने पे कमी है। जब डॉक्टर ही नहीं है, मुश्किल से PSC CSC से बदतर स्थिति है। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज